ये रहा बॉलीवुड पार्क। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जा रहे गोरेगांव फिल्म सिटी। आज कैसा शूटिंग वूटिंग का यहाँ पे पूरा ओवरऑल 3-3.5 घंटे का एक पूरा यहाँ पे राउंड कराते हैं, दिखाते हैं अलग अलग जगह कैसे कैसे शूटिंग कहाँ पे होती है। तेरा फर्स्ट टाइम है ना यहाँ पे? Yes, I'm excited. बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग वूटिंग तू देखेगी आज? Yes, है ना? कैसे रहते हैं? यहाँ पहुँच गए हम लोग। ये पूरा मेन एंट्रेंस गेट है और ये बस है। यहाँ से ऐसे बस में बैठ के जाते हैं और उन लोग फिर दिखाते हैं कि करके शोज। तो हम लोग बस में बैठ गए हैं और ये आईडी कार्ड मिला है हमें यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे ये नाम लेके बुलाते हैं, सीट मिल गई है। अब यहाँ से लोग टूर कराएंगे हमें, ओवरऑल पूरा बॉलीवुड का यहाँ से फिल्म सिटी का पूरा टूर कराएंगे। टूरिस्ट सीट भी काफी मस्त मिला है, एकदम फ्रंट रो की सीट है और यहाँ से एकदम मस्त व्यू आएगा। ये राइट साइड में देखिए, ये रोड दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और ये BNHS दिख रहे हैं उधर, ये रोड खड़ा है, ये जेट्रीज वगैरह है। तो नहीं सर, आपने जल्दबाजी में गलत आंसर दिया, आपको -100 मार्क मिलेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इस रोड को देखा होगा आपने। और ये जो BNHS वो ट्रीज वगैरह सब देखा होगा आपने अक्सर यहाँ से गोकुलधाम के लेडीज लोग को। यहाँ पर देखिए मलयालम बिग बॉस चल रहा है। कोई एनीबडी फ्रॉम केरला? केरला से है क्या? केरला से हो आप? तो मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको एक हिंट देता हूँ। एक मूवी आई थी, सबने देखा होगा उस मूवी को, ओम शांति ओम, देखा है? शाहरुख खान वाली। कहाँ उसमें कहाँ देखा हुआ? अभी बता दिया है उसमें कौन सा? आग लगती है, वेरी गुड। आग लगती है ना उस घर में, देखा है? कांच से जागते हुए शाहरुख खान अंदर देखता है तो क्या, आज रामपाल और दीपिका पादुकोण का मिलन होते हुए फिर उसका हार्ट तो ये वो मंदिर है जहाँ पे मोस्टली बहुत सारी शूटिंग्स होती है। आपने देखा होगा सीरियल्स वगैरह में, मूवीज़ वगैरह में बहुत सारी, यही वो टेंपल है जो होता है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे शूटिंग हो रही है, यहाँ पे सारा शूटिंग का सेटअप हो रहा है ये सब। ये सारा वैनिटी वैन होता है, यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट वगैरह लोग रहते हैं ये सारा इसमें अपना वेटिंग वगैरह मेकअप वगैरह सब यहीं पे करते हैं। सो ये रहा बॉलीवुड पार्क। ये एक नकली पुलिस स्टेशन बना के रखा हुआ है अंदर, और मैंने भी इसके ऊपर केस किया है अभी फिलहाल। सो ये सेट अब चालू हो रहा है, यहाँ शो चल रहा है, कोई लाइव शो देखते हैं यहाँ पे जाके। यहाँ पे एक अभी कॉमेडी नाइट विद कपिल जैसा एक सेट बनाया हुआ है, इस तरीके से ये सेट बना हुआ है। कॉमेडी नाइट विद कपिल का भी ऐसा ही कुछ शो होता है। बॉलीवुड पार्क में बहुत बहुत स्वागत है। बॉलीवुड सिर्फ 3 चीजों से बनता है, एंटरटेनमेंट एंड बॉलीवुड हिस्ट्री। और जानते हैं कि हमारे इस बॉलीवुड की चमकती धमकती दुनिया में किन किन लोगों का योगदान और मेहनत रही है, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे बॉलीवुड हिस्ट्री के लिए। 80s और 90s में आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान ने दर्शकों को एक बार फिर सिनेमा घरों की ओर आकर्षित किया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ऐसा लग रहा है कपिल शर्मा वाला फील आ रहा है ना, हाजिर से याद आया मुझे। पिछले शो में बोल दिया था मैंने, लग रहा है, मैंने कहा दे शो कर, बोलते नहीं है, मैंने कहा जीपे कर, बोलते वो भी नहीं है, मैं कुछ नहीं है, बोले नहीं है, मैं चल साथ में भीख मांगते हैं।
क्रोमा सेशन होगा। सबसे पहले ये दो लाइन उठेंगी, उसके बाद आप, ताकि आपको गिरे ना या कुछ हो ना, ठीक है? तो सबसे बहुत अच्छा, यहाँ क्रोमा शो होगा, तो लेट्स सी क्या होता है अंदर। ये VFX कैसे बनता है ना पिक्चर में, ग्रीन ये लगा के। आपने सुल्तान फिल्म देखी होगी, ये सीन वैसे स्टेडियम का है, लेकिन जब शूट हुआ तो ये क्रोमा पे हुआ अकेले में। एज अ फॉली आर्टिस्ट और एज अ एडिटर काम करता हूँ। अब जिस फ्लोर पे आया हूँ, ये एक टेक्निकल फ्लोर है और यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा फिल्म में किस तरह से बनाया जाता है। सो एग्जैक्टली फॉली साउंड होता क्या है, फिल्म में जो हरकतें होती है, जैसे किसी दरवाजा खोल दे तो हमें दरवाजा खुलने की आवाज आती है, गाड़ी रुक गई तो ब्रेक की आवाज आती है, यहाँ तक अगर कोई खाना भी खा रहा है तो हमें प्लेट की भी आवाज आती है। ये जो सारी छोटी मोटी आवाजें हम अलग से रिकॉर्ड करके वो सीन में यूज करते हैं, जिन आवाजों को हम एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मतलब गाड़ी के ब्रेक में हम माइक नहीं लगा सकते, तो ये जो आवाजें हमें क्रिएट करनी होती है अलग अलग प्रॉप्स यूज करके। फॉली साउंड रिकॉर्ड करने के लिए इस तरह कुछ स्पेशल माइक यूज होते हैं जो इतने सेंसिटिव होते हैं कि सुई गिरने पर भी आवाज कैप्चर कर लेते हैं, तो सारे फॉली साउंड इसी तरह के माइक से रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो वीडियो देख रहे हो ऐसे आवाज नहीं है, आवाज हम इस माइक से देंगे जिससे फॉली साउंड होते हैं। तो किस तरह से फेक आवाज रिकॉर्ड की जाती है, कागज का टुकड़े, इसकी मदद से ये फेक साउंड रिकॉर्ड किया जाता है। तो किस तरह से इफेक्ट आएगा, क्रोमा शो भी हो गया, काफी मजेदार था। हाँ, तुझे मजा आया? हाँ, मुझे तो काफी मजा आया। अच्छा, काफी कुछ इनसाइट्स मिली इसमें कि इस तरीके से शूटिंग के टाइम पे क्या क्या चीजें उन लोग कैसे कैसे डालते हैं वो सब चीजें। चलो अभी दूसरी जगह पे जा रहे हैं बॉलीवुड थिएटर देखने के लिए। तो ये 3D ग्लासेस है, 3D शो है यहाँ पे। थिएटर में चलते हैं। Are you excited? I'm very excited. किस चीज के लिए? 70 शो के लिए। Okay. दो जादू एक साथ। So, ये देखिए यहाँ पे। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के, ये है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, बट लेकिन सचिन तेंदुलकर का बनाया हुआ लुक। ये मोदी जी है, ये वाला सबसे अच्छा लगा मुझे, बाला साहब ठाकरे का। एक और ये भी पूजा आके बैठ गई है हॉट सीट पे। तो ये अभी अन्ना हजारे के साथ बैठे हैं। मुंबई में ये अनशन चल रहा है। जरा बड़ा बोल अनशन। स्कूटर देखे कुछ याद आ रहा होगा, गोलमाल में ये स्कूटर थी। हाँ जी, रुकिए रुकिए, लेके चलेंगे हमको। चलो चलो, कहाँ चलना है? कांदीवली। कितना? 50 रुपए बस ना, सस्ता। सो गाइस, आज का वीडियो करते हैं एंड। काफी मजा आया मुझे तो। तुझे मजा आया? मुझे बहुत मजा आया। और अभी हमारी बस जाने वाली है, तो बस भी जाने वाली है, ये बस में जा रहे हैं। मुझे तो काफी मजा आया और अच्छा एक्सपीरियंस था। और बाकी आज का वीडियो एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।